उड़ीसा के बालासोर में 3 ट्रेनों की भयानक टक्कर बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट हुई है। हादसे में अब तक 238 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, 900 से ज्यादा घायल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुर्घटनास्थल का दौरा करेंगे। वह दिल्ली में हालात की समीक्षा कर रहे हैं, इसके बाद उड़ीसा रवाना होंगे। पीएम मोदी कटक के अस्पताल भी जाएंगे। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार सुबह घटनास्थल का दौरा किया। रेलवे के अनुसार बहानागा रेलवे स्टेशन के पास शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन शुक्रवार शाम करीब 7:15 बजे भयावह हादसे का शिकार हो गई। एक रेलवे अधिकारी के अनुसार 12864 बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस हावड़ा जाते वक्त बेपटरी हुई और उसके कुछ डिब्बे दूसरी पटरी पर जा गिरे। पटरी से उतरे ये डिब्बे 12841 शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गए और इसके डिब्बे भी पलट गए। अधिकारी ने कहा कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरने के बाद एक मालगाड़ी से टकरा गए, जिससे मालगाड़ी भी दुर्घटना की चपेट में आ गई। जानिए क्या कहते हैं। क्योंकि आपने भी जैसा वीडियो देखा होगा कि बोगिया तो तीनों पटरी पे, अगर फोटो भी देखेंगे दो में तो डेफिनेटली क्लियर है कि डिरेल किया गया, तो देखा गया है उस पे। सर, व्हाट चैलेंजेस एनडीआरएफ हैज टू फेस व्हेन दे रीच द स्पॉट? इस केस में चूंकि ये रेलवे स्टेशन में हुआ था इंसिडेंट, तो एक्सेसिबिलिटी की उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार होता है कोई इंसिडेंट होता है और रिमोट एरिया में हुआ तो एक्सेसिबिलिटी की भी दिक्कत होती है। तो जैसे इन्फॉर्मेशन मिली थी, पहली टीम पास में ही थी, 30 किलोमीटर की लोकेशन पे थी, तो जल्दी पहुंच गई थी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी जल्दी आया है वहां पर, उनके भी रिसोर्सेज, उड़ीसा स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की भी टीम बहुत जल्दी पहुंच गई थी। और फिर बाद में बाकी टीम जो बाहर से आई है, ऑब्वियसली ट्रेवलिंग टाइम जो लगा है उतनी थी। लेकिन जो मेन दिक्कत होती है इस तरह की, मैं चूंकि हैवी कंटेनर्स हैं, मेटेलिक बॉडीज हैं, तो इनको कट करके निकालने में जो मेहनत और स्ट्रेटेजी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले लाइव विक्टिम को निकालना इम्पॉर्टेंट होता है, फिर सेकेंडरी डेड बॉडीज को आइडेंटिफाई करके निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। सर, कितनी टीमें स्टैंड बाई में है, कितनी टीमें वहां पे हैं? तो जैसा कि मैंने बताया, 9 टीम ऑलरेडी है वहां पर और वो काम कर रही है स्पॉट पर। इस ऑपरेशन ट्रेन इंसिडेंट का सीक्वेंस क्या रहा है, क्योंकि आपकी टीम सर ऑन स्पॉट है, कहा जा रहा है कि पहले कोरोमंडल टकराई या पहले वो टकराई, क्या सीक्वेंस? इस पे देखिए, मैं नहीं कमेंट कर सकता हूँ। फाइनली ये सीरियस इंसिडेंट है, रेलवे अथॉरिटीज ने, गवर्नमेंट ने इंक्वायरी का ऑर्डर किया है, तो वो कॉम्पिटेंट होंगे शेयर करने के लिए। परसेंटेज की अगर बात की जाए तो कितना वर्क परसेंटेज में अगर कम्प्लीटेड है और किस टाइप का सर्च ऑपरेशन चल रहा है? मैनुअली है, कैनाइन है, क्या क्या है उस टाइप? हमारे पास कैनाइन टीम रहती है, कैनाइन टीम ऑलरेडी है वहां पर। जो कैनाइन टीम ट्रेंड होती है, कोई लिविंग पर्सन अगर ट्रैप्ड है उसको सर्च करने के लिए वो ट्रेंड होते हैं, तो वो तो यूज कर ही रहे हैं। और परसेंटेज वाइज मोस्टली जो लिविंग पर्सन का हमने तो सर्च कम्प्लीट कर लिया, कुछ जगह जहां डाउट है अभी उसका वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम फाइनल कॉल ले सकते हैं। दिस सेंचुरी फॉर इंडिया एज फार एज आई नो, यस इट इज वन ऑफ द सीरियस एक्सीडेंट। सर, इस ऑपरेशन के दौरान क्या क्या दिक्कतें आई और कब तक ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा एनडीआरएफ की तरफ से? देखिए, ऑपरेशन एग्जैक्ट टाइम मुझे कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि टीम ऑलरेडी काम कर रही है, एक एक हर कोच को हम क्लियर करते जाएंगे, लोकल अथॉरिटीज भी है उनके साथ मिलकर क्लोज करते जाएंगे, उसके बाद ही बोल पाएंगे। लेकिन कितना बोगी है, वो पड़ा हुआ है? 17 बोगी का, 17 कोचेस की जानकारी है जो डिरेल हुई है और सीवियरली डैमेज हुई है। ऑलमोस्ट हमने सब चेक कर लिया है, सब चेक कर लिया, और जितने लिविंग पर्सन निकाल सकते थे निकाल लिए। अभी जो कुछ में है जो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई है, बिल्कुल दबे हुए हैं, जहां नीचे के एक्सेस नहीं कर पा रहे, जिसमें हम अभी कह नहीं सकते, वो एक दो कोच और हो सकते हैं, बाकी हमने सर्च कर लिया। मतलब